प्यारे देशवासियों, आप सबको देश के 75वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं इस महापर्व की आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, हर देश की विकास यात्रा में अनेक गौरवशाली पल आते हैं। ये वो क्षण होते हैं जब पूरा देश एकत्व की भावना से उपलब्धियों का उत्सव मनाता है। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस भी ऐसा एक अवसर है। एक कठिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की महान विभूतियों और देशवासियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हम सभी वीर सेनानियों को स्मरण कर उन्हें नमन करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में देश के मनुष्यों ने हमें संविधान के रूप में एक ऐसा मार्गदर्शक प्रदान किया है जो पत्नी पर खड़े अंतिम व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान के प्रति आस्था रखते हुए देशवासियों ने सामूहिकता की भावना से विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं। इससे देश की प्रगति के पथ पर गतिमान हुआ और लोकतंत्र, मूल्य और संवैधानिक व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ और सशक्त होती चली गई। आज हमें गर्व है, भारत विश्व का सबसे विशाल और कार्यशील लोकतंत्र है जो अन्य लोकतांत्रिक देशों के लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। इन वर्षों में हमने स्वयं को एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जो परस्पर प्रेम, आपसी सम्मान, विश्व कल्याण और शांति सहअस्तित्व के सिद्धांतों को आत्मसात किए हुए आगे बढ़ रहा है। ये 75 वर्ष की सफर हम भारतीयों के परिश्रम, नवाचार और उद्यमशीलता का परिचायक है। ये 75वां पड़ाव हमें हर्षित और आनंदित करता है। हमें अपने दायित्वों का भी स्मरण करवाता है। देश की प्रगति में प्रत्येक देशवासियों का योगदान हो, यही समावेशी विकास की अवधारणा है। हमें यही सहभागिता सुनिश्चित करनी है। आज उत्सव मनाते हुए हमारे लिए ये विवेचना करना भी आवश्यक है कि आज से 25 वर्ष उपरांत जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तब हम भारत को कहाँ देखते हैं। जो संकल्पना हम देश के लिए कर रहे हैं उसमें हमें हमारा योगदान और भूमिका भी सुनिश्चित करनी होगी। देशवासियों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमें अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को देश हित की दिशा में ऊंचा बांध बनाते रखते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। इस अति महत्वपूर्ण अवसर पर हम राष्ट्रहित में अपनी प्राथमिकता तय करें। हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर उस तक पहुंचने का मार्ग तय करें। हम अपने कर्म और कार्यों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर दिशा में दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ काम करने में जुटें। हमारे संकल्प में राष्ट्रहित प्रथम भाव हो, हमारे कर्म में देशवासियों का कल्याण और समाज का उत्कर्ष हो, हमारे प्रत्येक कदम देश के विकास की ओर अग्रसर करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। ऐसी प्रतिबद्धता देश का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय में संजोते हुए सामूहिकता की भावना के साथ क्रियाशील होगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा, ऐसी मेरी आशा है। एक बार पुनः देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद।